आज का पाठ है हमारा दोपहर का भोजन, और इस पाठ से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तरों को हम पढ़ेंगे और साथ ही समझेंगे। इससे पहले आप इस चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन चैनल पर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे कि आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ सके। देन आप इसके क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे तो एक प्रोसेस सही चलेगा जिससे आप अच्छी तरीके से कंज्यूम कर पाएंगे चैप्टर को। तो इसी के साथ शुरू करते हैं, प्रश्न उत्तरों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला। जैसे कि चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो सिद्धेश्वरी जो कि यहाँ पर एक गृहिणी है जो कि घर के हालात ख़राब हैं, लेकिन फिर भी उन्हें छुपाने की कोशिश कर रही है। किस तरीके से सभी घर वालों के लिए खाना पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी सबको ये जता रही है खाना भरपूर है, हर कोई अपना पेट भर के खाए, और इस तरीके से हालातों से जूझ रही है वो। यहाँ पर उसके बेटे की बात की जा रही है जो कि नौकरियों के लिए धक्के खा रहा है और मेहनत कर रहा है, और साथ ही मझले बेटे और ये सबसे छोटे बेटे के बारे में भी दिखाया गया है। प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि जो सिद्धेश्वरी है उसने अपने बड़े बेटे से अपने मंझले बेटे के बारे में, जिसका नाम मोहन है, वो झूठ क्यों बोलती है कि वो बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। तो घर की स्थिति जो है वो सही नहीं चल रही थी, रामचंद्र की नौकरी छूट गई थी, उसी के पैसों से घर ही चल रहा था। ऐसे में जब थका हारा रामचंद्र बाहर से आकर मोहन के बारे में पूछने लगा तो सिद्धेश्वरी को झूठ बोलना पड़ा। वह रामचंद्र को ये नहीं बता सकती थी कि मोहन पढ़ने के स्थान पर आवारा गर्दी कर रहा है, मोहन पढ़ने के स्थान पर समय नष्ट कर रहा है, और ये झूठ बोलकर वह घर में शांति बनाए रखना चाहती है। तो जैसा कि घर के हालात ठीक नहीं है, बड़े बेटे की कमाई से ही घर चलता था, और वो उस पर रोक लग गई है। जो उसका मझला बेटा है जिसको पढ़ने के लिए कहा जाता है जिससे कि उसका जीवन संवर सके, भविष्य संवर सके, लेकिन वो बाहर आवारा गर्दी करता फिरता है। बड़े बेटे के इस तरीके से हालातों से जूझने की जो उसकी जो क्षमता है और वो जो कोशिशें कर रहा है, उसको देखते हुए माँ जो है घर में शांति चाहती है, किसी तरीके की बहसबाजी ना हो या किसी भी तरीके का मनमुटाव ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए अपने बड़े बेटे से मझले बेटे के बारे में झूठ बोलती हुई नज़र आती है यहाँ पर। और इस तरीके से घर की स्थिति जो कि डामाडोल है उसको वो बनाकर रखना चाहती है जिससे कि शांति बनी रहे, माहौल और ख़राब ना हो, उसमें नेगेटिविटी जो है और भी ना एग्जिस्ट करने लग जाए। तो इस तरीके से पाठ में जो गृहिणी के रूप में सिद्धेश्वरी का परिचय कराया गया है, सिद्धेश्वरी जो बहुत मेहनत करती है, अन्न नहीं है घर में सबके हिस्से का, फिर भी वो उसको इस तरीके से प्रेजेंट करती है कि हर कोई अपना पेट भर के खाना खा सकता है, और माहौल को शांत रखने के लिए भी वो हर किसी से एक दूसरे के बारे में झूठ बोलती हुई नज़र आती है। आगे प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 2, कहानी के सबसे जीवंत पात्र के चरित्र की दृढ़ता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अब अगर आपसे प्रश्न ये भी पूछ लिया जाए कि कहानी का जो सबसे जीवंत पात्र है वो कौन है, उसके बारे में बताइए, तो एक ही बात होगी। तो मतलब जीवंत पात्र क्या होता है, इसमें जो सबसे ज़्यादा एक्टिव पात्र जो है, कैरेक्टर है, वो कौन सा है और उसने क्या क्या भूमिकाएँ निभाई हैं। तो कहानी का जो सबसे जीवंत पात्र है वो कौन सा है, सिद्धेश्वरी है। सिद्धेश्वरी क्यों है, क्योंकि शारीरिक कोशिशें जो है परिवार के लिए वही करती हुई नज़र आ रही है। वह जानती है कि घर की स्थिति सही नहीं है, खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, फिर भी वह स्थिति को संभाले रखती है। घर में किसी को पता नहीं चलने देती कि घर में खाने के लिए भोजन नहीं है। वह जानती है कि परिवारजन सच्चाई से वाकिफ हैं, लेकिन अपने झूठ से वे उनके अंदर विश्वास कायम रखती है। वह परिवारजनों के मध्य भी प्रेम भाव को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। सबके मन हालातों से टूटे हुए हैं, लेकिन वह इन टूटे हुए सभी मन को अपने झूठ से संभाले हुए रखती है। हर कोई जो है जे सिद्धेश्वरी का जो पति है वो, और उसके जो बेटे हैं, बड़ा बेटा है, वो घर के सारे हालातों से वाकिफ हैं, लेकिन उसमें एक अपडेट देती है सिद्धेश्वरी झूठ बोलकर, जिससे कि उसमें और भी ज़्यादा खटास ना पैदा हो और माहौल जो है शांत पूर्वक चलता रहे। तो इस तरीके से वो अपनी भूमिका बनाते हुए दिखाते हुए नज़र आती है इस पाठ के अंतर्गत, कि किस तरीके से परिवार को बनाए रखने के लिए वो हर एक कोशिश कर रही है। प्रश्न नंबर 3 है हमारे सामने, कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे गरीबी की विवशता झांक रही हो। गरीबी की विवशता, गरीबी से विवशता आती है परिवार में, जहाँ आदमी मजबूर होकर बहुत कुछ ऐसे काम करता है जो वो नहीं चाहता है। तो वो विवशता वाला जो सीन है जहाँ आदमी मजबूर है, वो कौन कौन से प्रसंगों में दिखता है वो हमें बताना है। तो पहला प्रसंग है हमारे सामने, लड़का नंग धड़ंग पड़ा है, उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई रही हैं,
दिखाई दे रही हैं। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे हैं, बेजान पड़े हैं और उसका पेट हड़िया की तरह फूला हुआ है। तो इस तरीके से ये जो हालात बच्चे के दिखाए जा रहे हैं, ये घर के हालात अच्छे ना होने की वजह से एक बच्चे की जो रूपरेखा है या जो उसकी छोटेपन में ही जो उसके हालात हैं वो घर के हालात की वजह से ही हैं, उससे अफेक्टेड है वो। दूसरा यह है कि बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया, नहीं तो बच्चे को साफ़ सुथरा जो बिस्तर है वो भी दिया जा सकता है अगर घर के जो हालात हैं वो अच्छे होते तो। लेकिन घर के हालात अच्छे नहीं हैं, बच्चे के मुंह पर मक्खियाँ लग रही है, सोया हुआ है, तो उसको उससे बचाने के लिए एक फटा और गंदा ब्लाउज जो है डाल दिया जाता है। तो ये भी घर के जो हालात है गरीबी की वो दिखाए जा रहे हैं। अगला है पॉइंट कि बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल दिया पर वह पूरा भरा नहीं, तो इससे क्या पता लगता है, बटलोई में दाल कम है जिससे कटोरी पूरी भरी नहीं, छिपली में थोड़ी सी, छिपली मतलब कि तलछटी में, यानी उसके एकदम आप कह सकते हैं कि तले में ही थोड़ी सी दाल आती है, थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी उसे पास खींच लिया, रोटियों की थाली को उसने पास खींच लिया, उसमें केवल एक रोटी बची थी, मोटी भद्दी और जली, उस रोटी को वह जूठी थाली में रखने ही जा रही थी कि अचानक कुछ देर तक एकटक देखा, फिर रोटी को दो बराबर टुकड़ों में विभाजित भी किया, एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी जूठी थाली में रख लिया, तदुपरांत उसके बाद एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला ग्रास यानी कि कौर एक टुकड़ा उसने मुंह में रखा ही था, तब ना मालूम कहाँ से उसकी आंखों में आंसू चूने लगे, चूने यानी कि गिरने लगे। अगला जो पंक्ति है, अगली जो पंक्ति है जिसके ज़रिए हमें यह पता लगता है कि जो गरीबी है उसने किस तरीके से विवश कर रखा है सिद्धेश्वरी के परिवार को। सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था। आंगन में अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे, पैबंद जो कि छोटे छोटे टुकड़ों से उस फटी हुई जगह को कवर किया जाता है, तो उसे पैबंद कहा जाता है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं पाठ के अंतर्गत जो भी हैं वो घर के हालातों को बयां कर रही है, उसकी विवशता गरीबी की वजह से जो है वो दिखाता हुआ नजर आता है। प्रश्न नंबर 4 लेते हैं, सिद्धेश्वरी एक दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अनथक प्रयास था, अनथक यानी बिना थके एक प्रयास था वो, इस संबंध में आप अपने विचार लिखिए। यानी सिद्धेश्वरी जब बच्चों के पिता से यानी अपने पति से बच्चों के विषय में झूठ बोल रही है, बड़े बेटे से मझले बेटे के बारे में झूठ बोल रही है, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि हैबिचुअल झूठ बोल रही है, बल्कि वो घर में शांति भी नहीं रहे, कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसको छुपाने के लिए घर में शांति भी नहीं रहे, उसको मेंटेन करने के लिए जो है वो ये बैलेंस बनाकर चल रही है, और ये एक अनथक प्रयास है यानी जो बिना थके प्रयास किया जाए। तो इसके बारे में अपने विचार बताने, सिद्धेश्वरी जानती थी कि घर की स्थिति को लेकर घर का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से खींचा हुआ था, घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से उन हालातों की वजह से हर कोई खींचा हुआ था। आप जानते ही हैं मेंटल स्टेट जो है वो ठीक नहीं रहता, लोगों को चिंता रहती है, परेशान रहते हैं, वह झूठ बोलकर उसे सामान्य करने का प्रयास करती है। हम ये नहीं कह सकते कि यह प्रयास अनथक था या अथक था, वह प्रयास अवश्य कर रही थी, पिता उसके मुँह से तारीफ को सुनकर प्रसन्न हो रहे थे, कठिन समय में यही तारीफ घर वालों को आपस में बांधे हुए थी। मोहन और रामचंद्र के मध्य अवश्य एक खींच तान दिखाई देती है, लेकिन सिद्धेश्वरी अपने झूठ से उसे भी कम करने का प्रयास करती है, यदि वह ऐसा ना करे तो घर में सब बिखर कर रह जाए, वह जहाँ तहाँ का यह प्रयास करते हुए दिखाई देती है, इस तरह अपने घर को एक किए हुए है और इसे अनथक प्रयास नहीं कहा जा सकता है। तो इस तरीके से वो एक अपने परिवार को बनाए रखने की कोशिश में लगी हुई दिखती है। प्रश्न नंबर 5 है हमारे सामने, अमरकांत आम बोलचाल की ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कहानी की संवेदना पूरी तरह उभर कर आ जाती है, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आप दिखा रहे हैं गरीबी है, परेशानी है, समस्या है, लेकिन आप उसे सीधी सपाट भाषा में लिखते चले जाएं तो उससे आप इमोशन फील नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो जो लिखने का तरीका ही होता है जिससे आप लोगों के दुख को, उसकी परेशानी को, विवशता को फील कर पाते हैं, तो वो आम बोलचाल ही होती है जिसको जरिया बनाकर जो है ऐसे ऐसे लेख तैयार किए जाते हैं कि जिससे आप उनके इमोशंस को समझ पाएं। तो यही जो है अमरकांत जो कि इस पाठ के लेखक है वो कोशिश करते हैं, तो जिससे संवेदनाएं जो है पूरी तरह उभर कर आ जाती हैं। अब हमें इस पर इस उत्तर को वेरीफाई करते हुए इसको उत्तर इसका देना है। अमरकांत की जो भाषा है वो आम बोलचाल की भाषा है, इसमें बनावट का लेश मात्र नहीं है, वे बड़े ही सहज रूप में बात कह जाते हैं। उदाहरण के लिए सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम एक रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी है। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से, जैसा कि हर कोई आम जिंदगी में करता है, तत्पश्चात किसी घुटे उस्ताद की भांति बोले, रोटी
रहने दो, पेट काफी भर चुका है, अन्न और नमकीन चीजों से तबीयत ऊब भी गई है, तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी। खैर, रखने के लिए ले रहा हूँ, गुड़ होगा क्या? इसमें लेखक ने कनखी घुटे उस्ताद बड़के धरा दी जैसे शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने भाषा को सजीव बना दिया है। तो ये यहाँ पर बनावटी नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा कि हम कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं। इमोशंस को दिखाते हुए आप कोई इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ, हम ऐसी किसी सिचुएशन को देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। रामचंद्र मोहन और मुंशी जी खाते समय रोटी ना लेने के लिए बहाने करते हैं, उसमें कैसी विवशता है? यानी वो क्यों मना कर रहे हैं, किस कारण से विवश है? कि उन्हें घर के हालात मालूम है, उन्हें पता है भरपूर खाना नहीं है, किसी को कम ना पड़ जाए, इसी के लिए वो भी उतना ही खा रहे हैं जिससे कि उन्हें भूख और ना सताए। तो वो विवशता उनकी दिखाता है। तो सब जानते हैं कि घर में पेट भर भोजन करने के लिए अन्न नहीं है। सिद्धेश्वरी रोटी देने पर जोर डालकर उन्हें यही साबित करना चाहती है कि अन्न भरा पड़ा हुआ है और किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रामचंद्र तथा मुंशी जी, मुंशी जी यानी कि रामचंद्र के पिता और सिद्धेश्वरी के पति, स्थिति से वाकिफ है। वे रोटी ना लेने के लिए बहाने बनाकर सिद्धेश्वरी को धोखा देने का प्रयास करते हैं कि उन्हें भूख ही नहीं है। यह उनकी विवशता है कि वे आधे पेट होने पर भी पेट भरे होने की बात कह रहे हैं, और यह उनकी गरीबी है जो उनसे झूठ बुलवा रही है। आगे लेते हैं प्रश्न नंबर 7। मुंशी जी तथा सिद्धेश्वरी की असंबद्ध बातें कहानी से कैसे संबद्ध है? यानी आपने जब पाठ पढ़ा तो हमने देखा कि मुंशी जी और सिद्धेश्वरी आपस में बातें कर रहे हैं जो कि खाने से संबंधित या फिर घर के हालात से संबंधित नहीं है, फिर भी वो कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं। कैसे? मुंशी जी तथा सिद्धेश्वरी के मध्य जो बातें होती वह आपस में संबद्ध नहीं रखती हैं। सिद्धेश्वरी अचानक मुंशी जी से बारिश के विषय में पूछती है, कभी फूफा जी के विषय में, कभी गंगा शरण बाबू की लड़की के विषय में बात करके माहौल को हल्का करने का प्रयास करती है। वह जानती है कि मुंशी जी के पास उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं है, यदि उत्तर होता तो इससे पहले ही वो जवाब मिल गया होता। मुंशी जी की जो स्थिति है वह समझती है, घर की आर्थिक स्थिति खराब है, मुंशी जी के पास कोई नौकरी नहीं है, वह तलाश कर रहे मगर अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं, घर में खाने के लिए नहीं है, बड़ा लड़का नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा है, मुंशी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अतः मुंशी जी स्वयं घर की स्थिति पर बात करने से कतराते हैं, यानी बचते फिरते हैं, अतः वे प्रयास करते हैं कि कम ही बोलें। उन दोनों के मध्य स्थिति को सामान्य करने के लिए सिद्धेश्वरी असंबद्ध बातें करती है जो कहानी से संबंध बनाए रखने में भी सहायता करती है। तो हालात ये है कि सबको मुंशी जी को भी अपने घर के हालात मालूम है, रामचंद्र को भी अपने घर के हालात मालूम है, और सिद्धेश्वरी तो पूरी कोशिश कर रही है कि घर के हालात जैसे हैं उसको शांतिपूर्वक बिता लेना है। तो इस तरीके से इसमें दूसरी दूसरी बातें इसलिए हो रही हैं जिससे कि वो बातें ना की जाए, क्योंकि वो परेशानी और समस्या ही बनाई देंगी, और अगर कहीं नौकरी मिली होती, खर्चे पानी का इंतज़ाम हो गया होता तो वो खुशखबरी पहले ही मिल जाती, तो उस बात को छेड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। और इस तरीके से वो दूसरी बातें कर रहे हैं लेकिन ये घर से जुड़े हुए भी हैं। आगे प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 8, दोपहर का भोजन जो शीर्षक है, किन दृष्टियों से पूर्णतः सार्थक है? इस पाठ का नाम जो दोपहर का भोजन रखा है वो कैसे जो है रेलिवेंट है, उचित है, सार्थक है, मतलब बहुत सही इसके लिए ये शीर्षक लिया गया है। पूरी कहानी में दोपहर के भोजन के समय को ही दर्शाया गया है, दोपहर का जो खाना है उसी के सीन को यहाँ पर दिखाया गया और उसी के चलते ही दिखाया गया है कि कैसे हर आदमी जो है अपनी भूख से कम खाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि सबको हालात घर के मालूम है और उसी से सारी कहानी चल रही है। रामचंद्र तथा मोहन का दोपहर में आना था फिर चले जाना, पिताजी का विश्राम करना आदि बातें दोपहर के समय को सार्थक करती हैं। सभी आते हैं और खाना खाने के पश्चात चले जाते हैं, अतः इस कहानी का नाम निम्नलिखित दृष्टि से पूर्णतः सार्थक है। प्रश्न नंबर 9 लेते हैं। आपके अनुसार सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों से भारी कैसे है? अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। सिद्धेश्वरी जो झूठ बोल रही है वो झूठ क्या आदतन झूठ बोल रही है, या वो जरूरी झूठ है जो घर को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? तो वो 100 सत्यों पर भारी है, तो वो झूठ जो है वो 100 सत्यों पर भारी है कैसे? सिद्धेश्वरी ने जो भी झूठ बोले वो अपने परिवार के मध्य एकता, प्रेम और शांति को स्थापित करने के लिए उसने बोले थे। उसके झूठों में किसी भी प्रकार का स्वार्थ विद्यमान नहीं था, यानी वो किसी भी तरीके से उसको अपने सेल्फिश होने के कारण उन झूठों को नहीं बोल रही थी, वो परिवार को बनाए रखने के लिए झूठ बोल रही थी। उसके झूठ एक भाई का दूसरे भाई के प्रति, बच्चों का पिता के प्रति तथा पिता की बच्चों के प्रति आपसी समझ और प्रेम बढ़ाने के लिए बोले गए थे। इस तरह वे परिवार को मुसीबत के समय एक बनाए रखने का प्रयास करती है इन झूठों के माध्यम से, अतः उसके झूठ 100 सत्यों पर भारी हैं। झूठ वह कहलाता है जिससे किसी का नुकसान हो, इन झूठों से किसी का नुकसान नहीं था, परिवार को जोड़े रखने का ये माध्यम थे। ये झूठ अच्छी भावना लेकर बोले गए थे, अतः ये 100 सत्य से बहुत अच्छे हैं। तो
इस तरीके से ये झूठ जो है 100 सत्यों पर भारी पड़ा है, क्योंकि ये परिवार को बनाए रखने के लिए बोले गए थे। प्रश्न नंबर 10 है हमारे पास, आशय स्पष्ट करना है। ये 3 हमें पंक्तियाँ दी गई हैं पाठ से, इसके अर्थ हमें बताने हैं। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गटगट चढ़ा गई। सिद्धेश्वरी को अचानक याद आता है कि उसे पानी की प्यास लगी है, अतः वह ऐसे उठी मानो वह मतवाली हो, यानी कोई किसी तरीके के नशे में हो। उसने उसी अंदाज में घड़े में लोटा डाला और उससे गटागट पानी पी गई। अब यहाँ पे मतवाली होने का मतलब भूख, प्यास, परेशानी, इसकी वजह से हालात ऐसे हो गए जो जिससे वो चकराती फिर रही हो, इसलिए मतवाली होने का यहाँ पे बात की जा रही है। अगली पंक्ति हमारे सामने, ये कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। सिद्धेश्वरी ने मोहन को ये झूठ बोला कि बड़ा भाई उसकी तारीफ कर रहा था। मोहन जानता था कि उसका बड़ा भाई उसकी तारीफ नहीं कर सकता है, अतः सिद्धेश्वरी ने झूठ बोलकर मोहन की ओर देखा और वह ये जानना चाहती थी कि कहीं मोहन ने उसका झूठ पकड़ तो नहीं लिया। और इस तरीके से ये कहकर उसने अपने मंझले लड़की को एक लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। तो चोरी करने का मतलब कि किसी ने जान तो नहीं लिया कि मैं जो चीज़ छुपा रही हूँ, तो इसलिए इसको इस तरीके से बोला जा रहा है कि उसने ऐसे दिखा जैसे मानो उसने कोई चोरी की हो। अगली पंक्ति दी गई है, मुंशी जी ने चने के दानों की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया, यानी अपनी नज़र रखी जैसे उनसे बातचीत करने वाले हों। तो कटोरे में दाल पीने के बाद कुछ चने के दाने बच गए थे। मुंशी को भरपेट खाना नहीं मिला था, अतः कटोरे में बचे दाने जो है उसको वे ललचाई निगाहों से देख रहे थे। अतः जिस तरह से वे चने के दानों को देख रहे थे ऐसा प्रतीत होता है मानो कुछ कहना चाह रहे हो, यानी उनको भूख है, वो और खाना चाहते हैं और उन चने के दानों को इस तरीके से देख रहे हैं और वो विवश भी है क्योंकि उन्हें मालूम है घर में इतना अनाज नहीं है कि सबको पूरा हो सके, उन्हें छोड़ना भी है और उनको भूख भी है, उन्हें वो चाहिए भी। तो वो ऐसी नज़र से देख रहे थे जैसे लगता है वो उनसे कुछ बातें करने वाले हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अपने आसपास मौजूद समान परिस्थितियों वाले किसी विवश व्यक्ति अथवा विवशतापूर्ण घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जैसा दोपहर का भोजन पाठ हमें दी, इसमें कहानी दी गई है, इस कहानी के अनुसार आपने अगर अपने आसपास ऐसा कुछ देखा है तो वो हमें बताना है। हमारे घर के समीप गोविंदी नाम की एक स्त्री रहती है। आप कोई और नाम भी दे सकते हैं या बिना नाम के भी बात कर सकते हैं और इस तरीके की सिचुएशन जो भी आपने देखी हो वो बता सकते हैं। और पति की मृत्यु के बाद उस पर घोर कष्टान पड़ा, वह पढ़ी लिखी नहीं है, अतः 2 बच्चों की जिम्मेदारी उस पर आन पड़ी। 2 महीने तक वे जैसे तैसे घर चलाती रही, लेकिन उसके बाद घर चलाना उसके लिए कठिन हो गया। घर में खाने के लिए पैसे नहीं थे, मजबूर होकर उन्होंने गुरुद्वारे का सहारा लिया। सुबह बच्चे स्कूल भूखे जाते और दोपहर तथा शाम को गुरुद्वारे में ही खाना खाते। गुरुद्वारे वालों ने तरस खाकर उन्हें अपना यहाँ छोटा मोटा काम दे दिया, तब जाकर इन बच्चों के स्कूल की फीस भर पा रही है। खाने के लिए वह सब गुरुद्वारे के सहारे ही जिंदा है। हमारे घरों से उनके बच्चों के लिए कपड़े जाते हैं, उनके बच्चे कभी नए कपड़े पहनते थे, आज वे दूसरों के उतारे हुए कपड़े पहनने को विवश हैं, उन्हें देखकर बहुत दुख होता है। और इस तरीके की बहुत सारी जो कहानियां हैं हमारे आसपास मौजूद है जो विवश हैं, मजबूर हैं गरीबी के आगे, और इस तरीके से पैसों की वजह से लोग जो हैं वो अपने कठिन जीवन को व्यतीत कर रहे हुए दिखते हैं। प्रश्न नंबर 2, भूख और गरीबी जो है उसमें प्रायः धैर्य और संयम नहीं टिक पाते हैं। जब व्यक्ति भूख से पीड़ित हो और साथ में गरीबी भी हो, अब आपको भूख लगी, आपके पास पैसा है तो आप उसका इलाज कर सकते हैं और फिर नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन आपके पास भूख भी है, आप भूखे हो बहुत, आपके पास पैसे भी नहीं है, ऐसी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में अक्सर नहीं बल्कि आप 99.99% कह सकते हैं पेशेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है व्यक्ति का। इस आलोक में सिद्धेश्वरी के चरित्र पर कक्षा में चर्चा कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, ऐसा देखा गया है कि भूख और गरीबी प्रायः धैर्य और संयम जो है वो नहीं टिक पाते हैं। सिद्धेश्वरी भी भयंकर गरीबी का सामना कर रही थी, वह इसका सामना अकेले नहीं कर रही थी, उस पर 3 बेटों और परिवार की जिम्मेदारी थी। यदि वह अपना धैर्य और संयम छोड़ देती तो परिवार का सर्वनाश होना निश्चित था, अतः वह दृढ़ता के साथ डटी रहती है। परिवार के किसी सदस्य का धैर्य या संयम हिल ना जाए तो वह झूठ बोलकर सब में इसे बनाए रखने का प्रयास करती है। इससे पता चलता है कि वह समझदार है, दृढ़ व्यक्तित्व है, ममतामयी है, कुशल गृहिणी भी है, जो पहले परिवार की सोचती है फिर बाद में अपना। वह परिवार वालों की भूख का ध्यान अपनी भूख से अधिक रखती है, उसे भी भूख है लेकिन वो परिवार वालों को उनका पेट भर देना चाहती है जिससे कि उनको भूख से पीड़ा ना हो। वह परिवार वालों के मध्य प्रेम भाव को बनाए रखती है, इसके लिए वह झूठ भी बोलती है और उस प्रेम भाव को बनाए रखने के लिए वो हर किसी से एक दूसरे के बारे में झूठ बोलती हुई नजर आती है, मगर वह झूठ उसके परिवार की नींव को मजबूत किए हुए है। जब तक वह परिवार में है उसके परिवार को कोई दुख छू नहीं सकता है, उसका व्यक्तित्व बहुत विशाल है। और इस तरीके से
वो परिवार में एक दूसरे से झूठ बोलकर परिवार में शांति बनाए रखी है, धैर्य बना रखा है, संयम बना रखा है कि एक दिन हालात जरूर सुधरेंगे। यहीं पर अगर घर वाले ही आपस में एक दूसरे से कलेश करने लगे, घर बिखर जाए, तो आप अपना संयम खो देंगे और पहले ही सब कुछ खराब कर देंगे। सिद्धेश्वरी जो कोशिश कर रही है वो आने वाले भविष्य में आने वाले किसी अच्छे दिन के संकेत देते हैं। वो अपना पेशेंस बनाए रखे हुए इसी आशा में कि एक दिन ऐसा आएगा, नौकरी मिलेगी, घर में पैसे आएंगे और ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और ये कर पाना बहुत मुश्किल काम है। और इस तरीके से सिद्धेश्वरी जो है एक बहुत ही दृढ़ व्यक्तित्व, ममतामयी और कुशल गृहिणी बनकर नजर आती है, जिसकी बहुत ज़रूरत है उसके परिवार वालों को। अक्सर जिसमें ऐसी कोशिशें जिन परिवारों में नहीं की जाती हैं, वो परिवार जो है बिखर जाते हैं और उनके साथ बहुत गलत हो जाता है। सिद्धेश्वरी जिस तरीके से अपने परिवार को इन बुरे हालातों में संभाले हुए है, अपनी भूख के ऊपर परिवार वालों की भूख को तवज्जो देती है, उनका पेट भरना उसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है। हालांकि हालातों से वो भी जूझ रही है, भूख उसे भी लग रही है और इस तरीके की कड़ी मेहनत करती हुई, झूठ बोलती हुई नज़र आ रही है, जिससे कि वो धैर्य, संयम और प्यार जो है परिवार में आपस में बना रहे। और उसी एक बात को वो बार बार दोहराने के बजाय जो मुंशी जी हैं और उनकी पत्नी यानी सिद्धेश्वरी जो है वो डिस्कस करने की बजाय दूसरी तीसरी बातों में अपने आप को उलझाते हैं, जैसे कि वही बातें करके जो है घर में किसी भी तरीके का कलेश ना हो। तो ये कोशिश है, हालात बुरे हैं लेकिन कोशिश बहुत अच्छी की जा रही है सिद्धेश्वरी के माध्यम से। और इस पाठ के ज़रिए ही दिखाया जा रहा है कि हालातों से हमें कैसे निपटना है, उसमें अपना संयम नहीं खोना है। आई होप कि आपको जिस तरीके से लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन जो है हमने चैप्टर की दी, आपको बहुत पसंद आई है और बच्चे देख रहे हैं और उनको चैप्टर भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। वैसे ही आपको ये क्वेश्चन आंसर सीरीज भी जो है बहुत हेल्प कर रही होगी। इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहें जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहें और जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। तो वीडियो आपको हेल्प कर रही है तो जरूर इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स यूँ ही